कर्पूरी जयंती को लेकर भाजपा सड़क पर यहां पर प्रदर्शन कर रही है। अभी दीघा के विधायक संजीव चौरसिया हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोगों को मैदान नहीं दिया गया, आज कौन सी मैदान की बात करते हैं? जनता की जब आवाज आगाज में बदलती है तो कोई भी प्रतिबंध काम नहीं करता है। आज लेने की बात छोड़िए, वो लोग क्या कर रहे हैं, मिलर स्कूल में खुद स्वयं जाके देखने का काम कीजिए। जो परमिशन मिला हुआ था उसको जिस प्रकार से हनन करने का काम किए हैं, तथा सड़कों पर ही बैठ के हम लोग कार्यक्रम का आगाज देने का काम कर रहे हैं, तो पिछड़ों को, दलितों का, वंचितों का स्वाभिमान और आवाज़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय कर्पूरी ठाकुर जी जिस समय माननीय मुख्यमंत्री थे, माननीय कैलाश पति मिश्र ही वित्त मंत्री थे, उसी से आरक्षण मिलने का काम हुआ। आज आप देखिए कि भारत रत्न देने का काम जो हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा देने की बात हुई है, वो कभी आरजेडी के नेता ने करवाने का काम किया क्या? कांग्रेस को समर्थन देते रहे लंबे समय तक। आज जवाब पूछना चाहेगी कि मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है? नहीं, ये तो मन की आस्था की बात है। उनको विचारों को अगर कोई आगे बढ़ाने का काम कर रहा है देश में, माने कर्पूरी ठाकुर जी को, तो माने नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दलितों को, वंचितों को, अगड़े को, पिछड़े को, सबको आरक्षण देकर उसको आगे बढ़ाने का काम, स्वाभिमान देने का काम कोई कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। नीतीश जी भी धन्यवाद दिए हैं, बोले हैं कि नरेंद्र मोदी जी दलितों के लिए और ये ऐतिहासिक काम, और भी बहुत बातें बोले हैं, मतलब तारीफ किए हैं। सीधा सीधी बात, निश्चित तौर पर करना ही चाहिए और करेंगे भी। जो काम करने का काम किए हैं उनको करना ही चाहिए। उनको कल राज्यपाल से मिले हैं, सुन रहे हैं कि नीतीश जी फिर एक बार आप लोग के साथ आने वाले, उसके बारे में क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। पर आज जो सबसे बड़ी बात है कि आवाज़ का आगाज देखिए, आज पूरा बिहार झूम उठा है। भारत रत्न मिलने का काम पिछड़े के अति पिछड़े के नेता को स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी घोषणा किए, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके जो बेटा हैं, जिनको जो अभी राज्यसभा में, रामनाथ ठाकुर जी, उनका कहना है कि असली कर्पूरी जी का उद्देश्य नीतीश जी पूरा कर रहे हैं। आज सबको पता है कि विचार और विचार में किस प्रकार से आगे ले जाने का काम करते हैं, तो आज सबसे बड़ी बात है कि सब विचार को लेकर चलने वाले हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी चलेंगे। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी से। बाकी देख रहे होंगे भी भाजपा के नेता हैं, उनसे अभी कुछ पूछेंगे। यह बिहार सरकार का नीतीश कुमार जी का गुंडागर्दी है। यह बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने गुंडागर्दी या तानाशाही रवैया अपनाया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फील्ड आवंटित किया गया था उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। बिहार सरकार और आरजेडी, जदयू, कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी से डर गया। देखिए, पूरा देश जो है मोदी जी को तारीफ कर रहे हैं। देश के सबसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत रत्न का सम्मान श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी को देकर, केवल कर्पूरी ठाकुर जी के नहीं, देश के वंचित, दलित, गरीब, अति पिछड़ा, शोषित, लाचार, विवश सभी को सम्मानित करने के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी किसी को लाता नहीं है, भाजपा में नीतीश जी का कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा बिहार ऐसी नीतीश भाजपा के साथ है। ऐसे नीतीश कुमार जी पलटी मारने में माहिर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदा के लिए उनका दरवाजा बंद कर दिया। अब मांझी जी बोल रहे हैं, अब तो अंदर जो आरजेडी के लोग हैं वही नीतीश जी के साथ खेला कर रहे हैं, इसलिए मांझी जी ने कहे हैं खेला होवे। देख रहे होंगे भाजपा के कई नेता पहुंचे हैं कर्पूरी जयंती मनाने के लिए, 100वीं जयंती है उसी को लेकर। अभी यहाँ जनक राम जी, क्या कुछ कहिएगा? ये भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कार नहीं है लाठी और डंडा की, ये लाठी और डंडा की संस्कार आरजेडी में है और उसी का अनुसरण जेडीयू के नेता कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मिलर हाई स्कूल के मैदान आज स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर कार्यक्रम हेतु आवंटित था, लेकिन महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। विवश होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को रोड पर करना पड़ रहा है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इन्होंने जो सदियों से सपना था वो साकार को मोदी जी ने किया है, भारत रत्न तो सम्मान दे करके। नीतीश जी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी का, पूरा धन्यवाद दे रहे हैं और भी बहुत दलितों के मसीहा, ऐसे कई चीज बता। गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के मसीहा सचमुच में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ही। जो उनका अधूरा सपना था वो नीतीश जी का सपना हो, लालू जी का सपना हो, अगर देश में अगर साकार होगा तो मोदी जी ही करेंगे।
चलिए, तो ये बात कर रहे थे भाजपा के और भी नेता हैं, तमाम लोगों से अभी बात करेंगे। फिलहाल देख रहे होंगे कि मनोज शर्मा जी हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहिएगा? नीतीश जी तारीफ कर रहे हैं आप लोगों का, धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को, धन्यवाद। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए। इस देश के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिसने नरेंद्र मोदी जी जैसे सरकार को चुना। इस देश में राम जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये रामराज्य की शुरुआत हुई है, कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। यहाँ से जो भारत उत्थान करेगा, ये आने वाले हजार वर्षों तक रुकने वाला नहीं है भारत की प्रगति। पर आपके कार्यकर्ता यहाँ लाठी डंडा लेके तैनात हैं। लाठी डंडा क्यों लेंगे हमारे कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में लाठी डंडे का कोई स्थान ही नहीं है। सुन रहे हैं, जदयू को कब्जा, जदयू जो फील्ड है उसको कब्जा करना है कार्यालय। वो प्रशासन जब हमें नहीं दे सकी तो हम क्यों वहाँ जाए? हमने तो प्रशासन से डिमांड किया था कि आप मैदान खाली करवा के दीजिए, नहीं तो हमें सड़क पे बैठ के जयंती मनानी पड़ेगी। आज वही परिस्थिति है, प्रशासनिक विफलता है कि हमें सड़क पे बैठ के जयंती मनानी पड़ रही है। चलिए देख रहे होंगे, भाजपा के कई नेता हैं, वह अपनी बातें रख रहे हैं और बोल रहे हैं। बाकी और भी लोग हैं, उन सभी लोगों के पास हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। और भी युवा नेता भी हैं, क्या कुछ कहेंगे? जन जन के नेता कर्पूरी ठाकुर जी को, जो भी कर्पूरी ठाकुर को अपना मानते थे, उन्होंने कभी कांग्रेस के लोगों ने सम्मान नहीं दिया। लालू जी कहते थे कि मैं अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सरकार बनवाता हूँ, लेकिन वो अपने नेता को कभी सम्मान नहीं दे पाए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, सबको सम्मान मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है। चलिए यहाँ पर बात करवा रहे थे बीजेपी के कई नेताओं से, बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।